हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है ये सीआईएसएफ ट्रेड में, जी हाँ सीआईएसएफ ट्रेड में इसके जो फिजिकल चल रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोलूंगा और उसके बाद में जिन जिन लोगों का फिजिकल ट्रेड टेस्ट हो चुका है और जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका फिजिकल हो चुका है बट अभी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक यही भर्ती नहीं है, अभी आने वाली बहुत सी भर्तियां हैं जिनकी मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन देता रहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं। तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तैयारी में लगे रहिए। यदि आपकी हाइट कम पड़ रही है तो हाइट की एक्सरसाइज कीजिए, चेस्ट कम पड़ रही है तो चेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग में आप निकल गए हैं तो रनिंग की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। यदि आप ट्रेड टेस्ट में बाहर हो गए हैं तो आप ट्रेड टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से शुरू में ही बोला था कि ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहिए, हो सके तो आप घर पे कीजिए, नहीं हो सके तो कहीं बाहर कीजिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा का सारा जो काम है वो आपका ट्रेड टेस्ट, यानी कि जो आपकी टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, जो नॉलेज है उसी पे बेस पे है, ठीक है। हाइट वगैरह और जो भी चेस्ट वगैरह ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हैं। तो ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप अगर नहीं निकाल पाए तो टेंशन मत लीजिए और अभी से ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करते रहिए, ठीक है, चाहे घर पे कीजिए चाहे बाहर कीजिए। और अब बारी आती है कि जिनका अभी फिजिकल नहीं हुआ है, तो जिनका फिजिकल अभी नहीं हुआ है तो मैं आप लोगों को बेस्ट अप लग बोलूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ अभी नॉलेज देना चाहता हूं और वो नॉलेज है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जी हाँ, तो अभी तीन चार पांच जो भी ट्रेड टेस्ट हुए हैं इन दिनों में और जो जैसी जैसी मुझे जानकारी मिली है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ताकि अभी आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मैं और भी बंदों से इस प्रकार से कहूंगा कि यदि आप लोगों ने ट्रेड टेस्ट दे दिया है, आपके यहाँ डॉक्यूमेंट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीजें बताई गई हैं, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो आप उसे कमेंट करके बताइए ताकि आने वाले लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है ये है डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के लिए तो जो भी मुझे अभी तक जानकारी मिली है, देखिए मैं आप लोगों को बता दूं मैं सभी सेंटर पे नहीं जा सकता, ठीक है, इस इतने जोन हैं, सभी जोन्स में इतने ज्यादा सेंटर हैं गांव से लेके शहर से लेके, तो सभी सेंटर्स पे नहीं जाया जा सकता। जो भी नॉलेज है वो आपको कमेंट्स के थ्रू ही प्राप्त होते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके स्टूडेंट जो खास स्टूडेंट है जिनसे आप कॉलिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उन्हीं से ही जानकारी मिलती है, ठीक है। मैं अभी तक जो मैं सिर्फ एक ही सेंटर पे जा पाया हूं, ठीक है, और इसके अलावा मैंने जो नॉलेज है वो सारी की सारी कमेंट्स के थ्रू है। तो अभी तक जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि डोमिसाइल में किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। डोमिसाइल यदि आपका 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, तब भी चल रहा है, ठीक है। डोमिसाइल में अभी तक मेरी जानकारी में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिली है, ठीक है। तो डोमिसाइल यदि आपका बना हुआ है फॉर्मेट में है तो आपको डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है आपकी कास्ट में, जी हाँ कास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कास्ट में बहुत से बच्चे छट जा रहे हैं। तो यदि आप, और सबसे पहले मैं बता दूं बहुत से जनरल के बंदे हैं वो ये पूछते हैं सर हमें भी कास्ट लगाना, तो मैं आप बताऊं जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आपकी अब टेंशन दूर हो गई है। अब बात आती है जो है वो ओबीसी की, ओबीसी एससी एसटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि सेंट्रल फॉर्मेट का आपका जो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, 80% सेंटरों पे मान के चलिए कि सेंटर के फॉर्मेट नहीं है इस वजह से कई बंदों को निकाल दिया गया, ठीक है। और 10-12 सेंटर्स ऐसे भी पाए गए हैं कुछ, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट्स के थ्रू, जितने कमेंट्स में आते हैं, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पे कि बंदों को मतलब एक मोहलत दे दी गई है, ठीक है, कि यदि आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो है अपने सर्टिफिकेट वो जमा करने हैं, ठीक है। तो ऐसा भी है, और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि जिन्होंने कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करी, ठीक है, यदि आपका सेंट्रल के फॉर्मेट में नहीं है तो उसी वक्त निकाल दिया गया। तो ये जोन्स पे डिपेंड करता है कौन से जोन में आप कहाँ पे किस में अप्लाई कर रहे हो और कहाँ पे किस सेंटर पे दे रहे हो। तो मैं अभी इसी वजह से मैं सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ जो जिसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो कॉमेंट्स करके बताएं, ताकि दूसरे बंदे भी उसे देखें और उन्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी मिले। तो 80% आप मान के चलिए कि यदि आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटरों पे उन्हें अलाउ कर दिया जा रहा है, 10 से 15 दिन की छूट दी जा रही है कि आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जमा कर दीजिए। बट मेरा ये मानना है कि यदि आप
10-15 दिन बाद जमा करेंगे, ठीक है। आप आज सेंटर पे गए, 300-400-500 रुपए खर्च करके गए, ठीक है, आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, फिर आप 10 दिन बाद आ रहे हैं, 10 दिन में आप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, सर्टिफिकेट बनवाने के बाद दोबारा फिर वहां जा रहे हैं, ठीक है, फिर आप अपना खर्चा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया आप स्टार्टिंग से ही कुछ खर्च करके नहीं जा सकते। आप नॉर्मली आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए ताकि आपकी आगे की कोई टेंशन ना रहे। ये सर्टिफिकेट ये तो है नहीं कि सिर्फ CISF के लिए, CISF ट्रेडमेंट्स के अलावा आप कोई एग्जाम आप देंगे ही नहीं, तो ये सर्टिफिकेट तो आपका आगे भी काम आने वाला है। आगे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या फिर इसी का जो मेडिकल वगैरह होगा उसमें भी आपकी जरूरत पड़ेगी, तो सर्टिफिकेट बनाने में आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही क्यों कर रहे हो। एक सर्टिफिकेट की वजह से आपको आपके सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए, ये ज्यादा अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप सर्टिफिकेट बना लीजिए सेंट्रल फॉर्मेट में, माना कि कुछ सेंटरों पर स्टेट फॉर्मेट में मोहलत दे दी जा रही है, बट वो कुछ ही सेंटर हैं, सभी अधिकतर सेंटरों पे तो भगा दिया जा रहा है, फॉर्मेट में नहीं है, निकाल दिया जा रहा है। इसके अलावा ओबीसी सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ओबीसी ST ST यदि आप लोगों ने डिजिटल जी हाँ, जो डिजिटल जो ऑनलाइन निकाला जाता है, ठीक है, या फिर CST सेंटर से आप लोग बनवाते हैं, वो जो है 6 मंथ से ज्यादा वैलिड हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो उसकी वैलिडिटी अलग होती है, उसमें सिग्नेचर वगैरह अलग होते हैं, तो उसकी जो वैलिडिटी, इसमें बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट, जी हाँ, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन रहे हैं, जो ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट बन रहे हैं डिजिटल, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट है, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ से ज़्यादा दी ही नहीं गई है। तो यदि 6 मंथ से पुराना आपका है तो आपको मान के चलिए 80% सेंटरों से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ सेंटरों पे ही जो आपको आगे के लिए मोहलत दी जाएगी कि आप बना के लेके आइए, दूसरा लेके आइए, ठीक है, कि नया लेके आइए, लेकिन सभी सेंटरों पे, अधिकतर सेंटरों पे बाहर कर दिया जा रहा है। तो अगर डिजिटल है आपका, ऑनलाइन बना हुआ है, तो 6 मंथ से पुराना होना ही नहीं चाहिए, चाहे आपका SC का हो, ST का हो, चाहे आप OBC से हो, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों ने ऑफलाइन बनाया हुआ है, यानी कि आपने तहसील से बनाया हुआ है, कचहरी से, कलेक्ट्रेट से बनाया हुआ है, ठीक है, तो यदि आपका SC ST का 2-3-4 साल भी पुराना है तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड, कोई दिक्कत नहीं SC में, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा पुराना भी ना हो कि 2014 का बना हुआ है, 2012 का बना हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 2-3 साल पुराना चल रहा है SC का, और OBC का जो है 3 साल मान के चलिए कि यदि आपने ऑफलाइन भी बनवाया हुआ है तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप 17-18-19-17 तक का भी है तो आपका वैलिड है, ऑफलाइन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है यदि आपका और भी पुराना हो तो वैलिड कर दिया जाए, उसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए। लेकिन जिनकी ऑनलाइन बनी हुई है उनकी 6 मंथ से ज़्यादा वैलिडिटी नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो सर्टिफिकेट बना लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाए आप दोबारा जाते हैं, दोबारा इतना खर्चा करते हैं, और समय पे आप लोग सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा पाते, तो आपका जो आपने इतनी मेहनत करी है, जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया, फिजिकल क्वालिफाई किया, वो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हाँ, कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जोन्स पे डिपेंड नहीं करता, ये जो सारे जोन्स से जो आपकी सर्टिफिकेट जो भी आपकी जो आपका रिजल्ट है वो सारा का सारा सेंट्रल में जाके इकट्ठा होगा। जी हाँ, दिल्ली जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे जाके आपकी सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, सारे काम वहाँ से होंगे, सारा जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस वो सेंट्रल से होगा, दिल्ली से होगा। ये नहीं कि आप नॉर्थ जोन में है तो नॉर्थ जोन में होगा, ऐसा नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके देखे ही जाएंगे, और यदि आपको किसी तरीके से सेंट्रल से भी आपको अप्रूव मिल जाता है तो मेडिकल के टाइम पे तो आपको देना ही देना है, सारे सर्टिफिकेट देने हैं आपको, नहीं तो आपको मेडिकल में ही बाहर कर दिया जाए। तो यार सर्टिफिकेट पहले ही बना लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बस ये कुछ छोटी सी बातें थी जो मैंने आपको बताई। और यदि आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, आपका स्टेट का बना हुआ है, तो अभी आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। तो मेरा तो यही मानना है कि जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे बैठे मेरे कहने से ही जाएंगे और नहीं जाएंगे। यदि आप जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि आपको वैलिडिटी मिल जाए, ठीक है, आपको अप्रूव कर दिया जाए कुछ समय के लिए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कितनी अच्छी बात है। और यदि आपको यहाँ घर पे बैठे बैठे अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं यार वहाँ पे तो स्टेट का भी सर्टिफिकेट चल गया, स्टेट भी वैलिड हो गया, फिर आप अपना सर फोड़ेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए ही चले जाएगी, जो होगा देखा जाएगा, जैसा मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके लिए आगे भी काम आएगा। आप अगर दोबारा भी एग्जाम देते हैं तो आपको ये तो पता रहेगा कि यार वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इस चीज़ों को चाहिए होता है, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस के लिए ही चले जाइए, अगर आपका स्टेट का ही बना हुआ है और अभी 1-2 दिन के अंदर ही आपका ट्रेड टेस्ट है या फिर फिजिकल होने वाला है, 2-4 दिन के अंदर आप नहीं नया नहीं बना सकते, तो मेरे हिसाब से तो आपको जाना चाहिए। बस यही समझिएगा कि अगर आपको बाहर कर दिया जाए कि
एग्जाम में आप फेल हो गए, बस इससे ज्यादा क्या। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखते हैं किसी भी जॉब में जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अगर किसी चीज की एक्सपीरियंस है तो आपको नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी कि कैसे वहां पे जाया जाता है, कैसे एग्जाम होता है, किस तरीके से वहां पे वेरिफिकेशन होता है। तो ये नॉलेज बहुत चीज है आने वाले एग्जाम्स के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ चीजें थी। और मैं अपने और भी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने ट्रेड टेस्ट दे दिया है या जो भी फिजिकल वगैरह दे के आए हैं, उनके सेंटर पे क्या चल रहा है, सर्टिफिकेट किस प्रकार से वैलिड हो रहे हैं वो बताइए, कमेंट्स कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को पता चले। हेल्प करनी बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपकी भी हेल्प जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।